अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल सेहतयाब होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। फ्रेंड्स, मैंने मुसर्रत मिसबा का फाउंडेशन मंगवाया था और उसको यूज़ किया था तो इसके असर बहुत ही खूबसूरत मिले थे। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि स्किन की रंगत के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है। अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से फाउंडेशन को यूज़ करेंगे तो आपका मेकअप देरपा होगा और आप अपने मेकअप और अपने चेहरे की रंगत में कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मिसबा मुसर्रत फाउंडेशन को यूज़ कैसे करते हैं, इसका तरीकाकार कैसा है और इसको यूज़ करके आप अपने मेकअप को कैसे देरपा कर सकते हैं। मुसर्रत मिसबा फाउंडेशन का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि मुसर्रत मिसबा फाउंडेशन को यूज़ करके आप अपनी स्किन पर कैसे परमानेंट मेकअप कर सकते हैं। मेकअप का आगाज़ हमेशा फाउंडेशन से ही किया जाता है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम मेरी वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, मेकअप का आगाज़ हमेशा फाउंडेशन से ही किया जाता है और इसी पर पूरे मेकअप का इन्हिसार होता है। याद रखें, फाउंडेशन का मकसद आपको गोरा करना नहीं बल्कि ये आपके चेहरे की कुदरती रंगत को यकसा करने के साथ चेहरे के दाग धब्बों को छुपाता है। लिहाजा आप अपनी स्किन और कलर के हिसाब से अपने फाउंडेशन का इंतखाब करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन को यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड फाउंडेशन को यूज़ करें। मेरी इस टिप को अपने जेहन में रखिएगा और देखिएगा इन दोनों टिप्स को यूज़ करने से आप अपनी स्किन पर बहुत अच्छी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकेंगे। हमेशा अपनी जिल्द की कुदरती रंगत से करीब तर शेड का इंतखाब करें। अमूमन लेडीज़ जब फाउंडेशन का इंतखाब करती हैं तो वो इसका तरीकाकार यूँ करती हैं कि अपने हैंड पर अप्लाई कर लेती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फाउंडेशन आपने अपनी स्किन पर लगाना होता है ना कि हाथों पर लगाना होता है। तो जब भी आप अपनी स्किन के मुताबिक कोई भी फाउंडेशन यूज़ करें तो उस फाउंडेशन का हल्का सा एक ड्रॉप लें और इसको अपने फोरहेड पर अप्लाई करें। अगर जो बेस आपने यूज़ की है वो बेस आपकी स्किन पर बिल्कुल अब्जर्व हो गई है और आपकी स्किन से मैच हो गई है और आपकी स्किन पर कोई आर्टिफिशियल स्किन या आर्टिफिशियल लुक नहीं दे रही तो उसका मतलब है कि ये कलर आपका सूटेबल है। और अगर आपको वो स्किन पर सूटेबल नहीं आ रही और आपकी स्किन पर बहुत बुरी लग रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने फाउंडेशन के कलर को चेंज करें। फ्रेंड्स, मैंने मुसर्रत मिसबा का सिल्क फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। इसका आप एक ड्रॉप ही यूज़ करते हैं तो आपको कोई और बेस यूज़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इसकी जो कलर कंसिस्टेंसी है वो स्किन कलर की है। ये फॉर ऑल टाइप स्किन के लिए है। आप इसको अपने स्किन पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपकी स्किन पर आर्टिफिशियल लुक नहीं आती बल्कि ये आपको नेचुरल लुक देता है। और जब आप इसको अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन में बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है। आपके सामने ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और ये मेरी स्किन पर बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑब्जर्व हो गया है। और ये देखें कोई लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई बेस वगैरह अपनी स्किन पर यूज़ की है। तो इससे आपका मेकअप भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही खूबसूरत सी, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी लुक आपको आएगी। फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया है। अगर आप भी ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो ये इजीली आपको मिसबा मुसर्रत फाउंडेशन के पेज से मिल जाएगी और आप ऑनलाइन पेज पर जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखें, मैंने इस हाथ पर ये बेस अभी अप्लाई की है तो इसका रिज़ल्ट अच्छा है और महसूस नहीं हो रहा कि मैंने अपनी स्किन पर कोई भी चीज़ अप्लाई की है। फ्रेंड्स, आप मुझे यूज़ करके बताइएगा कि मुसर्रत मिसबा फाउंडेशन को यूज़ करने से आपको इसको कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं। मुझे तो इसके बहुत ही खूबसूरत और अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसमें कोई ऑयली या ड्राई स्किन की मेजरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे कहने पर मुसर्रत मिसबा फाउंडेशन को यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा मिलता है।
मिसफा मुसद फाउंडेशन पेज पर जाकर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही नाइस होता है। इसको यूज़ करने के बाद आप अपने स्किन पर अगर डार्क सर्कल है तो उनको भी जो है वो छुपा सकते हैं, अपने दानों के निशानों को भी छुपा सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म के निशान हैं तो इसको भी यूज़ करके आप अपने स्किन पर उन निशानों को छुपा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।